वो क्या कहते हैं हाँ। मेरा अब्दुल आएगा हाँ। सूटकेस में पैक करके ले जाएगा हाँ। उसके बाद दो दिन बाद भक्त जनों सज्जनों आप लोग जो इतनी देर से कुर्सियों पे अपनी टिका के बैठे ले हैं उनको स्वामी बाटारंद अपना सलाम ठोकरे ला मुल्ला ही पत्थरबाज करता है पत्थरबाजी करता है देख तू आप देख तू और किसी एक फीलिंग रही केवल मुल्ला ही चाचा ये सब जो है ना पत्थर उठा के थोड़ी ना फेंक रहा है वो अपने बाप का उठा के हाथ से जो है ना फेंक रहा है केवल मुल्ला ही चाचा कायला मुंह से हमारे गाली निकलवा रहा है उम्र का लिहाज ख्याल कर रहा हूँ इसके लिए छोड़ दे रहा हूँ नहीं तो ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें यात्रीगण कृपया ध्यान तो भाई साहब आप लोग तो देख के समझ गए कि आज किसका पिलाई होने वाला है उत्ता करेंगे ट्रेन में नमाज पढ़ेंगे बैठ के जो जय श्री राम बोल कर पत्थर चलाए हो हमारे देश में जो है ना अनभक्तों की कमी नहीं है गोबर भक्तों की कमी नहीं है भाई साहब तो आज ना नंबर बाई नंबर जो है ना उसके गोबर का नशा उतारने वाला क्या बात कर रहे देखिए अनभक्त है तो चल जाता है वो भी कोई बात नहीं है गोबर खाओ मूत्र पियो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी मर्जी है तुम जो खाओ पियो पर साला उसको जो है ना सब कुछ में मुसलमान ही खराब लगता है इनमें नमाज पढ़ेंगे बैठ के साले का पता ना मार लिया कि का मुसलमान हो तो हमको पता नहीं है तो जरा जो है ना मारा ना मारा पर हामा जरूर मार लेंगे उसका तो चलिए ना भाई साहब वीडियो में बना रहिए लास्ट तक मजा आ जाएगा कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और ये कह रहा है मैं तो गोबर खाता हूँ और तुम्हें खिलाने आया हूँ चौकीदार चोर है चोर वही है चौकीदार चोर में ही तुझे बताता हूँ कैसे होते चोर बोल दोबारा चोर ये क्या बात हुई अरे बोल ना अच्छा मेरे अनभक्तो गोबर भक्तो उसने कहा चौकीदार चोर है तो तुमको लग गया बुरा और तुम अपने दिल पर ले लिए तो जरा ये बताओ कि तुम्हारा मोदी जी का क्या रिलेशन है मोदी जी का क्या करते थे आखिरकार तुम चाटते थे वे पूरी जिंदगी चाटते रह जाओ और आज अभी तो पप्पू जिनको आप पप्पू बोल रहे हो उनको मौका ही नहीं मिला देश के लिए कुछ करने का तो पप्पू कैसे बोल दिया भाई साहब इसके बाप को चौकीदार बोल दिया तो इसको लग गया मिर्ची ये राहुल गांधी को पप्पू बोल रहा है तब इसके गण में आस नहीं आ रहा है अच्छा बात नहीं है एक बंदा दिखा दो जो जय श्री राम बोलकर पत्थर चलाया हो क्या बोला एक बंदा दिखा दो जो जय श्री राम मैं दिखा देते कौन चलाता है कौन नहीं चलाता है क्या उस टाइम का आंख में क्या लिए हुए थे लिए हुए थे का है जो दिखाई नहीं दिया लिए हुए होगा मुझे पता है तो तुम इंडियनी भारतीय हो हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा कोई भी नहीं लगा ले क्या फायदा है ना होंगे ना धोबी ना पछाड़ कुछ भी ना होगा वो सनातन होगा जो कोई होगा सबका घर देश किस चीज चलेगा देश किस चीज चलेगा संविधान से चलेगा हिंदू राष्ट्र में संविधान कहाँ से आ गया बदला जाएगा बस इनसे ये पूछना है हिंदू शब्द की अवधारणा कहाँ से आई हिंदू शब्द तो है ही नहीं भाई नहीं है सनातन है तो फिर तुम कह रहे बात बोल रहे थे हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा अबे साला मान लिया कि तुम गोबर खाए हो तो इसका मतलब कहीं भी हक दोगे बे साला गोबर खाओ और घर जाओ ठीक है धरती से सूरज बहुत बड़ा है कहता है विद्वान लेकिन तुलसी ने लिख मारा कि सूरज को निगल गया हनुमान एक अमीर व्यक्ति को चार गो हाथी था और 10 फीट का बाउंड्री था बाउंड्री के अंदर हाथी था रात में एक हाथी गायब हो गया नहीं पता लगा अंत में रिसर्चर आया तो पता लगा एक मेढक हाथी को निगल के बैठा हुआ था लोग कहा मेढक हाथी कैसे खा सकता है जब एक बंदर का बच्चा सूरज को निगल सकता है तो मेढक हाथी को निगल गया कौन बड़ी बात किया गौमूत्र को उछाल रहा है ये पवित्र चीज है लेकिन हम कहते हैं एक कटोरे में दूध को रख दीजिए दूसरे कटोरे में मूत को रखिए और कुत्ते को छोड़ दीजिए कुत्ता दूध पिएगा मूत नहीं अच्छा तो भाई साहब इस पर तो हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे बाकी समझने वाला समझिए गया है कि किसके लिए ये वीडियो बनाया हूँ खैर और आप जो बोल रहे थे कि कुत्ता दूध नहीं पिए कुत्ता का तो खैर दूर की बात है यहाँ गाय को देखिए ना गाय के बच्चा को पता है कि उसको दूध पीना है या मूत पीना है पर साला इंसान को नहीं पता है कि उसको दूध पीना है या मूत पीना है जरा देख लीजिए देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान ये पागल हो गया इतना बदल गया इंसान।
और किसी एक हाथ पर फीलिंग बढ़ नहीं रही और वह चेहरा देख कर थोड़ा सुखी है कि दुखी है। मेरे अनुभक्त तो तुम खुद साला देखो कि गाय के बच्चा को कि वो दूध पी रहा है, उसको पता है कि हमको दूध पीना है या मूत पीना है। एक तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि तुमको पता नहीं कि तुमको दूध पीना है या मूत पीना है। तोबा तोबा तोबा। तो भाई साहब लागे हाथ जो है ना थोड़ा सा पेटला दीपक का भी ले लिया जाए, काहे कि उसको लिए बिना जो है ना दिले मन नहीं लगता है। अरे कुछ गलत मत सोच लीजिएगा भाई साहब, हाल समाचार की बात कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। बेटला जरा हमको ही बताओ कि आखिरकार तुम किसके चेले हो? केजरीवाल के चेले हैं। हैं? केजरीवाल के कब से हो गए बे? केजरीवाल के चेले का इतनी मोहब्बत का है केजरीवाल से? आई लव केजरीवाल। कभी तो तुम बोलते थे कि हम इजराइल में जाके इजराइल को दे रहे हैं टपा टपा। किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के। अच्छा एक बात बताओ हमको कि इजराइल जो गए थे तो उसको दिए थे तो कितनी रात दिए थे? वहीं बिताई सारी रात। सारी रात वहीं बिताई सारी रात। अच्छा बात नहीं है। तो भाई साहब पेटला का जो है ना अभी थोड़ा सा हिली है, किसी दिन जो है ना नीचे से बनिया से जो है ना पूरा अच्छा से लेंगे, ठीक है? तो भाई साहब आप लोगों को पता है कि अगर कोई गोबर खा लेता है तो उसका दिमाग क्यों नहीं काम करता है? हमको नहीं पता। तो नहीं पता तो जरा देख लीजिए इनके सामने, ये सब गोबर खाने वाले लोग हैं जो मीडिया वाला के सामने ना उलझलूल बातें करते रहते हैं। जरा देखो महादेव जो है लगभग 15-20 हज़ार साल से पहले से है और उनका पूजा होता है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले आप समझ। नहीं धर्म तो है ही जो हमारा जो हिंदू। मैं कहा मैं पूछ रहा हूँ संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि संविधान से चलेगा कि बाबा से? बाबा से तो नहीं चलेगा लेकिन संविधान से चलेगा। एक मिनट कहा जा रहा है, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू का हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू यहाँ रहने वाले लोगों को कहा जाता है भाई साहब? किस देश में ये पता नहीं, लेकिन है तो बाहर इंडिया से बाहर ही है इतना पता है। नाम है लंदन में नाम है इंडिया का, हर नाम क्यों नहीं है, हर देश में नाम है। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। तू समझा? अच्छा वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा का भी दूसरे धर्म पे। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में ना हो जाए वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात ना की जाए तो ज्यादा ठीक है। फिंगर हमें मिले तो एक मामूली इंसान के लिए बहुत टफ है। चलिए आप लोग हम बस चाहते हैं कि भारत देश एक अखंड भारत की योजना में साकार हो, और हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी देश मुस्लिम समुदाय हैं तो भारत देश। तो इसी को कहते हैं अनभक्त, जिसको ज्ञान नहीं रहता है फिर भी अपने मन से जो है ज्ञानी बनने आते हैं उसी को अनभक्त कहते हैं। गोबर खाने वाला का जो है हाल ही सही होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कीजिए।